अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पेट्रोल और डीजल के रेट वृद्धि 20वें दिन भी जारी है। जनमानस में खासा असंतोष पनप रहा है। आज लखनऊ में इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में सपा के करीब 12 लोग घायल हो गए हैं, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच आज मेरठ में सपा से जुड़े लोगों ने बुग्गी पर बाइक रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि डीजल के रेट बढ़ने का सीधा असर देश की महंगाई पर पड़ेगा। उधर दरअसल लखनऊ में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता यूपी विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच मेरठ में डीएन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सम्राट मलिक के नेतृत्व में गांव सिंघावली से रोहटा बाईपास तक बुग्गी पर बाइक चढ़ाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं सम्राट मलिक। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, उससे गरीबों की किसानों की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी, गरीबों का शोषण होगा, किसानों का शोषण होगा। अब किसानों का खेती का समय पीक पर था तो अब इतने डीजल के दाम बढ़ा दिए गए कि किसानों के ट्रैक्टर घरों में खड़े हो गए हैं। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस बड़े पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध कर रहे हैं, और जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे हम लगातार किसानों के गरीबों के हित में ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसके अलावा शहर काजी जैनुर रासिदीन ने भी पेट्रोल व डीजल रेट वृद्धि का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया है कि इस वृद्धि से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, लिहाजा इसे जनहित में तुरंत रोका जाना चाहिए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।